ग्वालियर के तिगरा थाना क्षेत्र के कुलैत में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नशा करने से रोकने पर एक युवक ने वहां तैनात आशा कार्यकर्ता के साथ उसके मासूम बेटे के सामने ही जमकर मारपीट कर दी। ये पूरी घटना पीएसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने इस मामले में राजू पंडित नामक युवक के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दावा किया है कि राजू पंडित को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल तिगरा थाना क्षेत्र के कुलैत गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ता के रूप में संगीता माझी तैनात है। वो रोजाना यहां अपनी ड्यूटी के लिए आती हैं। दो दिन पहले जब संगीता माझी पीएससी पहुंची तो गांव के राजू पंडित को उसने वहां शराब पीते देखा। इस पर महिला ने उसे भला बुरा कहा तो राजू पंडित ने महिला के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। महिला ने भी उसे गाली देकर भगाने की कोशिश की, लेकिन राजू पंडित ने चप्पल से महिला की मारपीट कर दी और उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इस घटना के बाद संगीता माझी ने अपने पति महेश माझी के साथ तिगरा थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। ये मामला थाना तिगरा का है, जहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर एक आशा कार्यकर्ता है, और जिन्होंने एक व्यक्ति वहाँ पर था जो कि नशे की हालत में था, तो उस बात पर उन पर कहा सुनी हुई और चप्पल से मारपीट हो गई थी आशा कार्यकर्ता के साथ। तो उसमें जब फरियादिया थाने हाजिर हुई तो उनकी रिपोर्ट पर आईपीसी के सेक्शन 323 294 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें नोटिसेबल ऑफेंस है, तो तत्संबंध में कार्रवाई विधि अनुसार कर रहे हैं। आरोपी का नाम राजू पंडित है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है।